देखिए क्या होता है, हर आर्टिस्ट के जीवन में कुछ फिल्में होती हैं जो यादगार होती हैं। वो फिल्में भी यादगार होती हैं और उनका अनुभव जो होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी यादें जो हैं मेरे जीवन में वो हमेशा थे। तो उसमें बैंडिट क्वीन पहली फिल्म थी, इस रात की सुबह नहीं सुधीर की जो मेरी सेकंड फिल्म थी, सत्या, उसी तरह से बहुत सारी और फिल्में, बर्फी रही, जॉली रही। ये न सिर्फ ये फिल्में अच्छी फिल्में साबित हुई बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज सौरभ शुक्ला, आई वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस विच चार्ज्ड मी, विच मेड मी हैप्पी, विच मेड मी लुक फॉरवर्ड। सो सत्या में ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी, रोज़मर्रा की घटनाएं थी। क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक घटना जो है जिसके साथ, अक्सर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं। अगर आपको घटना ही पूछनी है, बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना थी है कि मुझे फ़ोन आया था सबसे पहले अनुराग कश्यप का। तो अनुराग कश्यप का फ़ोन आया तो अनुराग कश्यप को मैं थोड़ा सा जानता था और क्योंकि वो दिल्ली में काम कर चुके थे और तब मैं दिल्ली में काम करता था थिएटर में, तो उनको मेरे काम के बारे में मालूम था। तो उन्होंने कहा कि मैं रामू के साथ आजकल काम कर रहा हूँ एक फिल्म पे, तो रामू आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो उस दिन रात को, अगले दिन जाना था, उस दिन रात को मुझे ऐसा ख्याल आया कि शायद मुझे लिखने के लिए बुलाया जा रहा है। और मैं सारी रात सोचता रहा और मैं लिखना कभी चाहता नहीं था। तो मैंने फैसला किया, कुछ लगा मुझे ऐसा, मैंने कहा ये एक्टिंग के लिए नहीं बुला रहे हैं, ये राइटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो सारी रात में सोचता रहा, मैंने कहा यार रामू को मैं कैसे मना करूँ। मैं सारी रात सोचता रहा लेकिन मैंने फैसला ये कर लिया था कि कल जब वो कहेंगे कि भाई आई वॉन्ट यू टू राइट द फिल्म, अगर उन्होंने ये कहा तो मैं उनको बोल दूँगा कि भाई ऐसा सर मैं लिखता नहीं हूँ और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिखने। सो बेसिकली आई वेंट टू रिजेक्ट द फिल्म। मैं मिला रामू से, सो ऑब्वियसली रामू बड़े फिल्म मेकर थे, उनको देख के उनकी ओ में आप वैसे ही आ जाते हैं। तो मैं बैठा उनके साथ एंड रामू स्टार्टेड नरेटिंग मी एन आइडिया, सत्या का जो आइडिया था वो क्या दुनिया है, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें उन्हें, उनके पास सारे कैरेक्टर्स उनके दिमाग में थे, भीकू महात्रे था, मूले था, है ना, भाऊ था और कल्लू मामा भी था। और फिर उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू प्ले कल्लू मामा। मैंने कहा ऑफकोर्स सर, आई डू इट, आई वॉज हैप्पी, इट वॉज एक्टिंग विच आई वॉन्टेड। देन ही सेड बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट इट। तो मैं फंस गया। फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूँ यार। तो मैंने कहा अगर मैं राइटिंग के लिए मना कर दूंगा तो फिल्म निकल जाएगी यहाँ से। सो आई सेड ओके आई विल राइट। तो फिर वो फिल्म जो थी वो मैंने और अनुराग कश्यप ने दोनों ने मिल के सत्या को लिखा था। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।